Hello dear students, welcome to the SYBSC online video lecture series of your bacterial genetics is nothing but the SYBSC microbiology MB221 course of your second semester. In the previous video, we discussed about the basic concept and the structural forms of DNA, what are the different forms of DNA like A form, B form, Z form, and rather than there is a triplex DNA and also the G quadruplex DNA are also present. Now in this video we will discuss about the Meselson and Stahl experiment, that it's generally provides the proof for semi-conservative replication, or there are three different modes of DNA replication. One is conservative mode of replication, another one is semi-conservative mode of replication, and last one is dispersive mode of replication. And in general, there is a semi-conservative mode of replication that happens or that occurs in the DNA. So for this purpose, the Meselson and Stahl, they perform an experiment to prove that DNA replication is a semi-conservative one and which provides the specific approach regarding to the genetical models. Okay, so let's see. Explain the DNA replication, that this presentation objective is explain the DNA replication. There are three modes or models of DNA replication. How Meselson and Stahl establish the basic mechanism of DNA replication as a semi-conservative, and describe the Meselson and Stahl shows that each strand identified in CSCL, means cesium chloride medium, was either all the heavy or all right. So okay, this is the three models for DNA replication. In 1958, Matthew Meselson and Franklin V. Stahl found a super way to test a prediction of Watson and Crick model regarding to the replication. So experiment begins here. Before that, I will give the introduction of that experiment, particularly what we have to study. हमें क्या पढ़ना है? हमें semi-conservative mode of replication अगर पढ़ना है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का? अगर अपने पास, यहाँ पे एक बार इमेज देख लेते हम, दिस इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल रेप्लिकेशन. हमें पढ़ना क्या है कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल रेप्लिकेशन का प्रूफ मेसलसन स्टाल ने क्या दिया है, रेप्लिकेशन का प्रूफ, और उसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. अभी सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या बताता है हमें, या उससे हमें क्या पता चलता है कि एक स्ट्रैंड जो रहेगा ये न्यूली सिंथेसाइज रहेगा, और एक स्ट्रैंड जो रहेगा ये पैरेंटल स्ट्रैंड रहेगा. ये हमें कंफर्म एंड द बेसिक कंसेप्ट विच स्पेसिफाइज द सेमी कंजर्वेटिव. ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मोड का पता आपको चल गया कि सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा, जो पैरेंट है उसका रेप्लिकेशन होगा, उस पैरेंट का एक स्ट्रैंड, यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्ट्रैंड एक्ट करेगा टेम्पलेट. मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि मोल्ड मतलब एक साचा जो तुम्हाला हेल्प करणार आहे तेच कॉपी पेस्ट करायला नवीन जनरेशनमध्ये ते येण्यासाठी, म्हणजे हे पॅरेंट्सचं एक स्ट्रँड दॅट विल ॲक्ट ॲज अ साचा किंवा टेम्पलेट. ऑल्सो आफ्टर द रेप्लिकेशन जे डॉटर स्ट्रँड्स किंवा जे डॉटरमध्ये येतील किंवा जे सेकंड प्रोजेनी जे राहील त्याच्यामध्ये काय येणार आहे, एक जे आहे ते न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रँड असेल आणि एक जे असेल ते पॅरेंटल स्ट्रँड असेल. म्हणून आपल्याकडे जे पण कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे दॅट इज रिगार्डिंग टू द अवर फर्स्ट प्रोजेनी ऑर द फर्स्ट पॅरेंटल जनरेशन. ओके, सो हे आपल्याला बघायचं आहे. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट. मेसलसन अँड स्टाल एक्सपेरिमेंटली डेमॉन्स्ट्रेटेड दॅट द सेमी कन्झर्वेटिव्ह मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन डी एन ए. फॉर दॅट पर्पज दे स्टडी द सेमी कन्झर्वेटिव्ह रेप्लिकेशन ऑफ डी एन ए इन ई कोला इन 1958. बेसिक आइडिया मैं तुम्हाला देतो, हमें पढ़ना है तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हमें एक्सपेरिमेंट पढ़ना है. एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट में होने क्या वाला है. ठीक है, ओके, सो लेट्स सी द वन बाय वन. एक ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है, आप सबको पता है, आपने FIBSC में भी स्टडी किया है, ईस्टरेशिया कोलाई विच इज़ द एंटर
बैक्टीरिया और विच इज़ बिलोंगिंग टू एंटर बैक्टेरियासी फैमिली। ठीक है, तो इसमें उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ये पढ़ा है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक मीडियम, आप सबको पता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, आइदर ब्रॉथ आइदर अगार। ओके, सो उन्होंने एक मीडियम यूज़ किया जिसमें नाइट्रोजन सोर्स, आप सबको पता है अगार जो होता है उसमें हम पेप्टोन देते हैं, मीट एक्सट्रैक्ट, बीफ एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, सॉल्ट, पीएच, वाटर, ये सब चीज़ें देते हैं क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रो होना है तो उसके लिए उसको सब फेवरेबल कंडीशन हमें देने पड़ेंगे, तो ये सब हमने दे दिए। उसके बाद जो सोल नाइट्रोजन सोर्स था उस मीडियम में उन्होंने N15, ठीक है, इट इज़ हेवी आइसोटोप, आइसोटोप यूज़ किया, नाइट्रोजन 15 ये यूज़ किया, उसमें उन्होंने ई कोलाई को अच्छे से ग्रो कर लिया। उसके बाद वो N15 वाला जो मीडियम है और जो ई कोलाई है वो सेल कल्चर ट्रांसफ़र किया गया N14 मीडियम में, मतलब जो लाइट आइसोटोप है, N15 ये हेवी आइसोटोप हो गया, N14 ये लाइट आइसोटोप हो गया, उसमें उन्होंने ट्रांसफ़र किया एंड उसके बाद उसको इनक्यूबेट किया, दैट्स व्हाई दैट अलाउड टू कंटिन्यू फॉर ग्रोइंग एंड N14, आई एम वंस अगेन सेइंग दैट N14 इज अ लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद सैंपल्स वर आइसोलेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स, हार्वेस्टेड एंड आइसोलेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स, द DNA एक्सट्रैक्टेड एंड इट्स बायोन डेंसिटी इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन इन CaCl मीडियम, दैट इज सीजियम क्लोराइड मीडियम डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड। द आइसोलेटेड DNA शोज अ सिंगल बैंड इन डेंसिटी ग्रेडियंट मिडवे बिटवीन द लाइट N14 एंड N15 एंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ दैट मीडियम इट इज शोइंग द N15। सो वॉट इट एक्चुअली मीन्स विल सी। द साइंटिस्ट ग्रू एन ई कोलाई इन N15 मीडियम फॉर 14 जनरेशन। बैक्टीरिया टू कप्स, अभी N15 में डाला है तो उसके पास कौन सा आएगा, N15 वाला ही सोर्स आएगा, एंड यूज इट टू सिंथेसाइज अ न्यू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग DNA। एट दिस टाइम दे आइसोलेटेड द फर्स्ट बैक्टीरिया सैंपल, प्रिपेयर्ड द DNA एंड एडेड द CsCl सीजियम क्लोराइड फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आइसोलेट करने के बाद क्या मिला, हार्वेस्ट करने के बाद क्या मिलेगा, अगर N15 में ग्रो किया था तो N15 ही मिलेगा। एट द सेम टाइम N15 कोटेड बैक्टीरिया वर स्विच टू मीडियम कंटेनिंग अ लाइट N14 आइसोटोप एंड अलाउड टू ग्रो फॉर सेवरल जनरेशन। फिर बाद में क्या किया गया कि N15 वाला जो बैक्टीरिया था वो हमने अभी N14 का जो मीडियम है, आगार है या जो भी ग्रोथ मीडियम है, उसमें हमने N15 वाला बैक्टीरिया N14 में डाल दिया। ठीक है, उसका ग्रोथ होने के लिए इंक्यूबेट कर दिया, इंक्यूबेशन के लिए रख दिया गया, एंड देन इसे हम फर्स्ट सैंपल कहेंगे। ओके, अब जब हम उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे फॉर डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, या अनदर मेथड इज CsCl मतलब सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, उसमें हमें पता चलेगा जो N14 है ये लाइट आइसोटोप है, तो ये सुपरनेटन का जो फेज है, ठीक है, या जो अपर मोस्ट लेयर है, लाइट है तो वो अपर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट रहेगा, और N15 जो है इट इज़ द हेवी आइसोटोप, तो फिर वो जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे रहेगा। लार्ज मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन विल फाइंड इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन वेयर देयर बैंड डेंसिटी इक्वल्स दैट ऑफ द ग्रेडियंट। ओके, सो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, when DNA from the first four generation E. coli was analyzed that produces pattern of bands shown in the figure, this type of band whichever shown by the density gradient meter. Now the exact experiment we will see in this figure, so this figure will explain all the experiment in details. Cells grown in N15 कंटेनिंग मीडियम, ओके, हमने N15 कंटेनिंग मीडियम में ई कोलाई को ग्रो किया,
उसके बाद उसका रेप्लिकेशन हुआ। जब हमने वही सैंपल हार्वेस्ट किया तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमें दिखा कि हेवी आइसोटोप, मतलब ये डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड जो है CSCL, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड और सेंट्रीफ्यूगेशन, उसमें हमें पता चला कि जो डेंसिटी जब ज़्यादा जिस पार्ट में ज़्यादा है मतलब पैलेट के या एरिया में, तो वहाँ पे हमें AV आइसोटोप्स N15 मिल रहे। फिर हमने वही N15 लेबल्ड जो सेल है उसे ट्रांसफ़र कर दिया N14 कंटेनिंग मीडियम में। ओके, N14 में ट्रांसफ़र करने के बाद अभी N15 का एंड N14 का रेप्लिकेशन हुआ। रेप्लिकेशन होने के बाद जो भी हार्वेस्टेड बैच थी उसमें से हमें पता चला कि हाइब्रिड N15 एंड N14 ये बन गया। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज द पैरेंटल स्ट्रैंड, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का क्या था कि पैरेंटल स्ट्रैंड का एक स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द अनदर स्ट्रैंड, एंड फिर डॉटर जो होता है उसमें एक स्टैंड होता है न्यूली सिंथेसाइज एंड अदर होता है पैरेंटल स्टैंड। तो इसी प्रकार हमें जब सेल्स हमने ग्रो किया N14 कंटेनिंग मीडियम में, तो हमें एक स्टैंड मिलता है N15 का और एक मिलता है N14 का, और जो लेयर बनेगा वो इन द मिडवे, ना कि N14 में रहेगा ना कि N15 में रहेगा, बिकॉज द हाइब्रिड लेयर इज देयर। हियर यू कैन सी दैट द N14 is replicated with the N15, and due to this the semi-conservative mode of replication is very well explained. Once again, when we grow in the N14 medium, what will be the effect? The second generation, one is the total parent strand and another is the daughter strand, in which one is parental and another one is newly synthesized strand. Here also you can see that N14 parental, N15 and N14 is hybrid, and that helps the semi-conservative mode of replication, in which one strand is newly synthesized, one strand is parental. So here you can see that light N14 in the uppermost area because uska light molecule hai, and the hybrid in which N15 and N14 that actually in the midway. And if the parental strand is N15, then here you can see that it is in the last of that centrifuge tube, or the vial in which the layer is in the bottom. So ultimate aim of this Meselson and Stahl experiment is that if you are studying the semi-conservative mode of replication, the semi-conservative mode of replication is self-explanatory, that one strand is newly synthesized, the daughter molecule is the newly synthesized. Once again, I will tell you that in semi-conservative model, the two parental DNA strands separate, and each of these strands that serve as a template for the synthesis of new DNA strand. The result is the two DNA double helices, both of which consist of one parental and one new strand. One parental and one new strand. इसी प्रकार यहाँ पे भी आप देख सकते हो one parental and one new strand. So this is one parental and this is one new strand. So इस प्रकार उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज किया, साथ ही साथ उन्होंने N15 एंड N14 हेवी आइसोटोप एंड लाइट आइसोटोप रिस्पेक्टिवली ये भी यूज किया, और विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट दे प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ DNA रेप्लिकेशन। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ऑल्सो इन योर SYBSC माइक्रोबायोलॉजी ग्रुप। Till then, go through the previous videos, revise all the videos, write down the notes, because that will help you to understand the concept very better and in a clear way. Okay? Thank you.